जिन्हें कभी कोई नहीं जानता था, आज सोशल मीडिया ने उन्हें स्टार बना दिया। इनकी वीडियो लाखों ही नहीं करोड़ों में देखी जाती हैं। जो कभी पैसे के लिए मजबूर थीं, आज इनकी इनकम सोशल मीडिया से इतनी ज्यादा है कि वो सोच भी नहीं सकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय या कहे देहाती स्टार की, जिसमें नंबर एक पर है फरमानी नाच। 2019 के अक्टूबर में जिस फरमानी नाच के पास अपने बेटे को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, उसी ने 2022 आते आते अपनी शादी के दहेज में दिए गए करीब 8 लाख रुपए के कर्ज को चुकता कर दिया। इसके साथ ही वो खतौली में एक घर बनाने की प्लानिंग कर रही हैं। आखिर 3 साल में कैसे फरमानी की जिंदगी बदल गई, आइए जानते हैं। शिव भजन गाकर सुर्खियों में आई फरमानी नाच की सक्सेस की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन हम उनके संघर्ष की उस कहानी के बारे में आज आपको बताएंगे, जिसे जानकर कहेंगे कि फरमानी हमें तुम पर नाज है। एक दौर था जब फरमानी के पास अपने बेटे को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, और आज एक दौर है कि उसके पास सब कुछ है। आखिर 3 साल में कैसे फरमानी की जिंदगी बदल गई, ये एक सोचने की बात है। आज सोशल मीडिया पर इनकी आवाज में कई गाने वायरल हो रहे हैं। बीते दिन आए एक गाने, नन्हे नन्हे घुंघरू गाने ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। दूसरे नंबर पर आती हैं सुनीता बेबी। सुनीता बेबी हरियाणवी इंडस्ट्री में खूब धमाल मचाती हुई नजर आ रही हैं। सुनीता बेबी के डांस वीडियो को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। सुनीता बेबी जहां भी जाती हैं, वहां उनके चाहने वाले पहले से ही मौजूद होते हैं। सुनीता बेबी को देखकर भीड़ पागल हो जाती है। अगर आपने सुनीता बेबी का गदर डांस देख लिया तो यकीन मानिए आप उनके फैन हो जाएंगे। यदि हमारी बातों पर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप किसी कार्यक्रम में जाकर देख सकते हैं। सुनीता बेबी अपनी हॉट अदाओं से लोगों को दीवाना कर देती हैं। सोशल मीडिया पर सुनीता बेबी की फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। इसी बीच सुनीता का एक खतरनाक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई है। अगर हम इनकी इनकम की बात करें तो लाखों रुपए तो स्टेज के लेती हैं, जबकि सोशल मीडिया से लाखों में भी कमाती हैं। अगले नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है वंशिका। 14 साल की गरीब बेटी के डांस ने 25 दिन में पूरे परिवार का भाग्य ही बदल दिया। यूट्यूब पर स्टार बनी वंशिका के पिता के सपने भी बदल गए और देहरादून से घर लौटे हैं। 20 अगस्त के आसपास मोदी नगर रोड स्थित एक कॉलोनी में रहने वाली वंशिका ने एक देहाती फिल्म के गाने पर डांस करते हुए एक वीडियो अपने स्टेटस पर लगा ली। वंशिका ने जो डांस किया उसने यूट्यूब पर धूम मचा दी। 15 दिन में करोड़ों लाइक होने के बाद कई यूट्यूबर वंशिका के घर जा पहुंचे। वंशिका अपनी माँ के लिए एक काली साड़ी लाई थी, उसी साड़ी को पहनकर खुद डांस का वीडियो बना डाला। वंशिका के शेयर करने के बाद उसकी ये वीडियो वायरल हो गई और वो काली साड़ी में डांस करने वाली लड़की की तरह फेमस हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद गायिका फरमानी नाज ने भी उसे बुलाया। वहीं वंशिका के परिवार ने बताया कि हम बेहद गरीब परिवार हैं, लेकिन बेटी के डांस और स्टार बनने से घर का नजारा ही बदल गया। आज कई कंपनी उन्हें डांस करने के लाखों देती हैं, जबकि यूट्यूब से भी ठीक ठाक कमा लेती हैं।